उन्होंने हंस के पेट से तीर निकाला और उसकी मरहम पट्टी की, उसको थोड़ा सुकून मिला। इतने में सिद्धार्थ गौतम का चचेरा भाई देवदत्त दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा कि इस हंस मुझे वापस कर दो, ये मेरा हंस है, मैंने इसको तीर मार के गिराया। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा, नहीं, मैंने इसको बचाया है, ये मेरा हंस है। दोनों भाई लड़ते लड़ते राजा के पास गए। राजा ने कहा, भाई दोनों भाइयों को दूर खड़ा कर दो और हंस को बीच में रख दो, जिस तरफ हंस जाएगा हंस उसी का। सो हंस को बीच में रखा गया और हंस सिद्धार्थ गौतम के पास गया, जिसने उन्हें बचाया था देवदत्त से, तो वो डर गया और हंस उसी का हो गया। तो तब से ये कहावत प्रचलित है कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। आज दिल्ली के अंदर भी वही हालत है। एलजी साहब और बीजेपी वाले रोज तीर पे तीर मार रहे हैं दिल्ली की जनता को, रोज उनको तंग कर रहे हैं, रोज उनके काम रोक रहे हैं, रोज उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी और हम लोग उन पे मरहम लगाते हैं, और मैं उनके परिवार का हिस्सा बन के उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ दिल्ली के लोगों की। सबसे ज़्यादा दुख हुआ जब कुछ दिन पहले उन्होंने योगा की क्लासेस बंद कर दी। एलजी साहब ने और बीजेपी ने मिलके दिल्ली के अंदर जो 17,000 लोग योग किया करते थे, उन 17,000 लोगों को योग करने से रोका गया। हमारा तो टारगेट था कि हम 17 लाख लोगों को योग कराएंगे, लेकिन इन्होंने उसको 17,000 लोग जो योग करते थे उनको भी रोक दिया। इन्होंने कहा कि योगा टीचर्स की तनख्वाह नहीं दी जाएगी, योगा टीचर्स को क्लासेस में जाने से रोका गया। मतलब योग करने से कौन रोकता है? ये तो योग किसी कोई योग कर रहा हो उसको रोकना तो पाप है। हमें बहुत दुख हुआ, लोगों को बहुत दुख हुआ, लोगों के व्हाट्सएप, पूरी दिल्ली के अंदर लोगों में बहुत गुस्सा था कि यार ये कैसे लोग हैं जो योग करने से लोगों को रोकते हैं। तब मैंने बहुत लोगों से बात की और सबने मिलकर ये तय किया कि हम दिल्ली के अंदर योगा की क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। एक तरह से जैसे उसने देवदत्त ने तीर चलाया था हंस के ऊपर, एलजी साहब ने और बीजेपी वालों ने तीर चलाया था दिल्ली की जनता के ऊपर कि योगा की क्लासेस बंद करेंगे। हमने तीर निकाला, मरहम पट्टी की और हमने तय किया कि दिल्ली के लोग मिलके किसी हालत में योगा की क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। योगा की क्लासेस शुरू हुई दोबारा, मैंने कहा भाई मैं कहीं से लेके आऊँ, पैसा लेके आऊँगा और योगा की क्लास से योगा टीचर्स को मैं तनख्वाह दूंगा, कहीं से तनख्वाह ला के दूँ। तब से योगा की क्लासेस चल रही हैं, वापस 2 दिन के लिए बीच में बंद हुई थी, वापस योगा की क्लासेस चालू हो गई हैं। मेरे पास वीडियोस आते हैं, मेरे पास तस्वीरें आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। सुबह शाम योगा की क्लासेस चल रही हैं। मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस भी आए हैं कि हम इसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कुछ चंद लोगों ने कहा है कि हम इसका सारा खर्चा उठा लेंगे, वो तो हो ही सकता है, पर आज मैं, मेरी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदार बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट करें। तो मैं आज एक फ़ोन नंबर जारी कर रहा हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये फ़ोन नहीं उठेगा, व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। इसका मकसद ये है कि एक योगा टीचर को हम सुबह शाम योगा कराने के लिए 15,000 रुपये महीना देते हैं, मात्र 15,000। 15,000 रुपये क्या होता है? कुछ भी नहीं होता आज की डेट में। 15,000 रुपये महीना देते हैं हम। जो जो लोग एक टीचर की या दो टीचर की या तीन टीचर की तनख्वाह उठाना चाहते हैं, वो मुझे लिख के, मेरे को पैसे नहीं चाहिए आपके, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें कि जी मैं एक टीचर की, कोई ये ना कहे मैं 10,000 रुपये देना चाहता हूँ, वो ये कहे कि मैं एक टीचर की तनख्वाह उठाना चाहता हूँ, मैं दो टीचर की तनख्वाह उठाना चाहता हूँ, मैं चार टीचर की तनख्वाह, और ये मैसेजेस मेरे को भेजें। हम महीने के अंत में उनको टीचर्स का नाम बता देंगे, वो हमें चेक दे दें और हम टीचर्स को, या टीचर्स से उनके हाथ से हम चेक दिला देंगे। तो व्हाट्सएप नंबर है 7279 7279, 2 बार है, 7279 7279। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें मुझे, और आप 15,000 के मल्टीपल्स में आप मुझे कहें कि मैं एक टीचर की तनख्वाह देना चाहता हूँ, मैं दो टीचर्स की तनख्वाह देना चाहता हूँ, मैं चार टीचर्स की तनख्वाह देना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलके इसको, इसके अंदर, इस पुण्य के काम में भागीदार बने।
और दिल्ली के 2 करोड़ लोग हम एक परिवार हैं, इस परिवार में कोई भी कठिनाई आएगी हम मिलके लड़ेंगे, तो कोई भी कठिनाई हमें छू नहीं सकती है। सो यही मैं आज जारी करना चाहता था नंबर, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से, एक 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 टीचर कंट्रीब्यूट करो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप। इससे अलग बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, खासकर अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, उन्होंने आपके लिए डीएनडी शब्द का इस्तेमाल किया, उंगली, कहने दो कहने दो, क्या फर्क पड़ता है बीजेपी कहती रहेगी। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, कोई 5 काम बता दो जो आपने 15 साल में किए हों, कोई 5 काम बता दो जो 15 साल में एमसीडी, चलो 5 मत बताओ, 2 ही काम बता दो जो तुमने 15 साल के, मतलब 24 घंटे बैठ के मेरे को गाली देते हैं, ढोंगी है, राक्षस है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, ये क्या राजनीति ये आपने कहीं बीजेपी की आएगी, बीजेपी वाले बहुत तिल हार गए, आधार क्या है, खाली सीटों का बहुत कम आंकड़ा, 10% भी मिला आपने। देखिए, लोग नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं करते, लोग काम पसंद करते हैं। खासकर पिछले 7-8 महीने से जिस तरह से जो नए एलजी साहब आए हैं, इन्होंने और बीजेपी ने मिलके दिल्ली के लोगों की जिंदगी नरक करने की कोशिश की है, लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। आप काम रोकते जा रहे हो, काम रोकते जा रहे हो, काम रोकते जा रहे हो, जनता देख रही है, और हम काम करते जा रहे हैं, किसी तरह से लगे हुए हैं, किसी तरह से लगे। अब योग भी रोक दिया, बताओ, योग भी रोक दिया, योग कौन रोकता है यार, पाप है बहुत बड़ा। आपने योगा क्लासेस भी रोक दी और फिर आप चाहते हो कि लोग आपको वोट दें, कैसे वोट देंगे लोग, आपने काम क्या किया है, खुद भी काम नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करने देते, केवल गालियां देते हो, गालियां देते हो। लोग नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं करते। आप ये बताओ, आपने 15 साल में क्या काम किए, 5 साल में क्या करोगे? हम बता रहे हैं, हमने 7 साल में स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, बिजली के बिल 0 कर दिए, बिजली 24 घंटे कर दी, हमने सड़कें बना दी, हम अपने काम गिना रहे हैं। इनके पास एक काम नहीं है गिनाने को, हम बता रहे हैं हम अगले 5 साल में ये करेंगे, इनके पास एक काम नहीं है गिनाने को, करेंगे क्या? केवल और केवल केजरीवाल को गाली देने से वोट नहीं मिलते दिल्ली के अंदर। इस बात पे वोट मांग रहे हैं वो, इस बात पे वो चाहते हैं, तो जनता तय कर लेगी कि उनको वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। 7 तारीख, 7 को नतीजे आ रहे हैं ना, 7 को नतीजे आ जाएंगे। मतलब वो वोट किस चीज पे मांग रहे हैं, इस चीज, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ये इस चीज पे वोट मांग रहे हैं वो। आजकल वो एक स्टार प्रचारक को लेके आए हैं, वो सुकेश चंद्रशेखर, वो मैं तो उनसे मतलब उस वो आजकल वही सेम भाषा सीख रहा है वो इसकी, जो बीजेपी वालों के, बीजेपी वाले भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं केजरीवाल का लाइट डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, वो भी कहने लग गया कि तो वो बिल्कुल ट्रेन हो गया बीजेपी में शामिल होने के लिए, किसी भी दिन हो सकता है कि ये लोग शामिल करा लें, और उसे तो स्टार प्रचारक बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल मैंने सुना है मोदी जी की सभाओं में भीड़ भी नहीं आ रही है। बड़ौदा में उन्होंने वो किया था अभी रोड शो, 700 लोग थे उनके रोड शो में, सारे चैनलों को फोन किया गया इसको लाइव मत दिखाना क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। तो अब जैसे मोदी जी जब रोड शो करते हैं, एक गेट पे वो खड़े हो जाते हैं, दूसरे गेट पे अब सुकेश चंद्रशेखर को खड़ा कर लेना चाहिए, उसको देख के भीड़ तो आएगी, कम से कम उसकी मनोहर कहानियां, उसकी इतनी कहानियां हैं ठगी की, उसको सुनने के लिए भीड़ आएगी, लोग उसको देखने के लिए आएंगे, कम से कम बीजेपी की सभाओं में भीड़ तो होने लगेगी, उसको शामिल कराना चाहिए, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए इनको, बीजेपी वालों को। और कुछ एक टीवी चैनल्स हैं, उन टीवी चैनल्स को सुकेश चंद्रशेखर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए। सर, बीजेपी ईडी के आधार पे ये कह रही है कि मनीष जी ने कई सारे मोबाइल बदले हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, उसके जवाब में क्या कहते हैं? जेल डाल दो, कुछ भी अगर गलत किया तो जेल डाल दो। ईडी और सीबीआई अब ये फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज बन चुकी हैं, ईडी डायरेक्टर इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव, इज अ फिल्म डायरेक्टर। सीबीआई डायरेक्टर इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी डायरेक्टर, इज अ फिल्म डायरेक्टर। पीएमओ फिल्में प्रोड्यूस करता है, स्क्रिप्ट यहां लिखी जाती हैं और फिल्मों की डायरेक्शन ये करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया उसको पकड़ के जेल में डालो, स्टोरीज प्लांट करना बंद करो, कहानियां बुनना बंद करो, स्क्रिप्ट लिखना बंद करो। मतलब बॉलीवुड से ज्यादा कहानी, अच्छी कहानियां आजकल इनके ईडी और सीबीआई के दफ्तरों में लिखी जाती हैं। थैंक यू।